भारतीय सीमेवर देशाच्या रक्षणासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या हुतात्मा जवानांचे कार्य मोठे आहे. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतं. यावेळी हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबियांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने हुतात्मा झालेल्या कुटुंबियांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पुणे विभागातील सर्व जिल्ह्यात हुतात्म्यांची अनेक कुटुंबीय असून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मेळाव्याचं आयोजन केलं जाईल असं प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप म्हैसेकर यांनी केलंय. हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना केवळ पैशाच्या स्वरूपात मदत न करता त्यांना दैनंदिन जीवनात येणाऱ्या अनेक अडचणी कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी या कुटुंबियांना दत्तक घेण्याचं ठरवलंय. यासाठी पहिल्या टप्प्यात 115 कुटुंबियांची निवड करण्यात आली असून महिला दिनानिमित्त जिल्हा परिषदेत या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. शहीद होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना, उसके फॅमिली के लिए कुछ ना करना, ये सभी भारतीय व्यक्ति का एक फर्ज बनता है और हर आदमी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वो इसमें सहयोग दे. लेकिन ये सहयोग किस तरह होना चाहिए इसके बारे में उसके मन में स्पष्टता नहीं होती है. तो इस बात पे हमने कुछ चर्चा विनिमय किया और हमारे सब अधिकारियों ने ऐसा तय किया कि जो बच्चा वहाँ शहीद हुआ है उसकी जगह क्यों ना हम ले लें और उस फैमिली के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनका जीवन ज़्यादा अच्छा हो जाए और जिनको जो रोजमर्रा की समस्याओं से जूझना पड़ता है वो जूझना ना पड़े. मेरे हस्बैंड 2017 में शहीद हुए थे, उसको शौर्य चक्र मिला है. और प्रॉब्लम तो बहुत सारी आती है. एक तो पहले है, हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी अभी तक कोई जॉब नहीं है. उसके बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर के लिए, हर चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं अभी तक. यानी अभी तक तो कोई फैसिलिटी हमें मिल रही है. मानती हूँ कि सरकार हमें ये कर रहा है, लेकिन जो हमें चीज सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है अभी तक.